दहशतगर्दी पर बेहिसी, इमरान खान वजीर आजम शहबाज शरीफ पर बरस पड़े। बोले दहशतगर्दी को अपनी नाक तले फैलने की इजाज़त दिए जाने पर निगाह डालता हूं तो सोचता हूं कि शहबाज शरीफ इतना बेशरम कैसे हो सकता है। चेयरमैन पीटीआई ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग से इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत हुई, हरगिज तस्लीम नहीं करता। 10 माह में हुकूमत के हाथों मईशत तबाह हुई, फस्तायत से जमहूरियत का कत्ल किया गया, बुनियादी हुकूक का खात्मा हुआ, दहशतगर्दी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ का कत्ल किया गया, वजीराबाद में मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात बनाकर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इमरान खान का कौमी असेंबली के जिमनी इलेक्शन न लड़ने का फैसला, पार्टी रहनुमाओं को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। पहले कौमी असेंबली की 33 नशिस्तों के जिमनी इलेक्शन में इमरान खान को उम्मीदवार रखने का फैसला किया गया था। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क्यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सान है पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।